नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 8 नवंबर 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आरपीएससी, रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां। आज का इतिहास, भारत एवं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। नवज्योति जयपुर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आरपीएससी, रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, 863 पदों के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी, 24 नवंबर अंतिम तिथि। आरपीएससी भर्ती 33 पदों के लिए अवसर, 24 नवंबर तक करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस के पदों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान पत्रिका परीक्षा अलर्ट, सीबीएसई सीटेट 2020 परीक्षा की नई तिथि घोषित। शिक्षक पात्रता के लिए 15 लाख को देनी थी परीक्षा, रीट के बाद सीटेट भी नहीं हुआ समय पर, 2017 के बाद फिर टला एग्जाम। अजमेर भास्कर। रीट 2020 आरपीएससी गलत प्रश्नों को संशोधित किए बिना परिणाम जारी कर दिया। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 का मामला कोर्ट में पहुंचा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 अजमेर भास्कर। यह तकनीकी खामी, नियुक्ति के बाद जारी की संशोधित उत्तर कुंजी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नियम के कारण हो रहा नुकसान, सामान्य वर्ग व एक्स आर्मी अभ्यर्थियों को नुकसान, आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी गई है। कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2020 मामला भास्कर सीकर। अधिशेष शिक्षकों के साथ दोहरा रवैया, झोतरी में वेतन नहीं, वेतन वही, गलियाकोट में कोई प्रक्रिया नहीं। 3 माह के वेतन को लेकर विभाग के चक्कर काट रहे गलियाकोट के शिक्षक, डूंगरपुर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग भास्कर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, दूसरे दिन दो पारियों में बैठे 71% अभ्यर्थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, रोडवेज को 3.75 करोड़, JCTSL को 18 करोड़ लाख की अति आय। जयपुर भास्कर। राजस्थान पुलिस भर्ती, निजी स्कूल संचालक बोले फीस का समाधान होने तक ही नहीं भरवाएंगे बोर्ड की फॉर्म। शिक्षा विभाग का तर्क, ऐसा किया तो होगी कार्रवाई। बोर्ड के निर्देश के बाद डीओ ने सभी सीबीओ को शिकायत पर कार्रवाई करने को कहा। झुंझुनू भास्कर। प्रोत्साहन केंद्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर श्रीगंगानगर भास्कर। राजस्थान पत्रिका जयपुर, 12 नवंबर तक प्रवेश के लिए रिपोर्ट करनी होगी, नीट यूजी काउंसलिंग राउंड फर्स्ट रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, CHSL भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। कर्मचारी चयन आयोग SSC राजस्थान पत्रिका जयपुर। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2021 में CBSE विलंब शुल्क से भरी LOC राजस्थान पत्रिका अजमेर CBSE बोर्ड। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम की उत्तर कुंजी जारी राजस्थान पत्रिका जयपुर। सरकारी नौकरी, विभिन्न विभागों में 854 पदों पर भर्ती होगी राजस्थान पत्रिका जयपुर। खाली पदों का विवरण, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर प्रेस विज्ञप्ति। ASCCGL टीयर 2 परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी डेली न्यूज जयपुर। प्रदेश के लोक कॉलेजों में होगा समान सिलेबस जयपुर भास्कर। राजस्थान विश्वविद्यालय, 25 दिन पहले निलंबित दोनों शिक्षकों को किया बहाल जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय भास्कर। UGC नेट की आंसर की जारी डेली न्यूज जयपुर। कॉलेजों में अब क्लासेस शुरू करने की तैयारी, दिशा निर्देश, स्टूडेंट्स के साथ ही विश्वविद्यालयों के सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को भी होंगे मान्य जयपुर डेली न्यूज।
आईआईटी व एनएलयू की फीस में कटौती, कोरोना ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे दोनों संस्थान। डेली न्यूज जयपुर। निजी स्कूलों ने बोर्ड फॉर्म भरने में जताई असमर्थता। डेली न्यूज जयपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती जांच कमेटी ने परिवेदनाएं सुनी। 60 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रखी अपनी बात। जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती मांगों को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। नवज्योति सुमेरपुर पाली। बोर्ड फॉर्म भरने में असमर्थ है गैर सरकारी शिक्षण संस्थान। नवज्योति बीकानेर। शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूलों को धंधा बताना शिक्षा जगत का अपमान। नवज्योति बीकानेर। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति ने किया पुतला दहन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन किया। नवज्योति बाड़ी धौलपुर। विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती की नई जांच कमेटी ने की वर्चुअल सुनवाई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। आईटीआई में प्रवेश का अंतिम अवसर। नवज्योति जोधपुर। विश्वविद्यालय के एलएलबी तथा 4 वर्षीय इंटरग्रेटेड का टाइम टेबल जारी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर। नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन आमंत्रित। सामलिया जी चित्तौड़गढ़। सैनिक स्कूल में पहली बार छात्राओं को मिलेगा प्रवेश। नवज्योति चित्तौड़गढ़। स्कूल शिक्षा परिवार ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा ज्ञापन। दादारामगढ़ सीकर। 6ठे व अंतिम राउंड का सीट आवंटन जारी। आईआईटी एनआईटी जोसा काउंसलिंग 2020। संदेश न्यूज कोटा। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।